नमस्कार, आप देख रहे हैं भरोसेमंद चैनल C10 न्यूज। तो देखते हैं आज की खास खबर। शासन प्रशासन की अनदेखी के शिकार ये गांव के लिए मुसीबत बन गए। यहां थोड़ी सी बरसात से जल भराव की समस्या इस कदर सामने आती है कि गांववासी गांव के बाहर जाने के लिए लोगों को कमर तक पानी से गुजरना पड़ता है। वहीं प्राथमिक विद्यालय में दरवाजे तक पानी भरा है, जिससे स्कूली बच्चे भी पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। इस गांव में संक्रामक बीमारी का खतरा बना हुआ है। इस ओर ना तो शासन का और ना ही प्रशासन का ध्यान है। मामला फिरोजाबाद जिले के सुकहाबाद तहसील के अंतर्गत थाना मक्खनपुर क्षेत्र के रसूलपुर गांव का है। यहां के लोगों का यह हाल है। इस गांव के निवासी नारकीय जीवन जी रहा है। इस गांव में थोड़ी सी बरसात से गांव की गलियां पानी से भर जाती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह गांव अंबेडकर गांव रहा है, लेकिन कमीशन खोरी के चलते विकास की पोल खोलता ये कैमरे की नज़र आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। ग्रामीणों को डर है कि कहीं बरसात के जलभराव से कोई संक्रमण की बीमारी ना हो जाए। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस समस्या का हल का निराकरण किया जाए, जिससे लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो देखते रहिए C10 न्यूज के साथ ब्रजेश राठौर की ये रिपोर्ट। ये आपके गांव में क्या समस्या है? आप हमारे गांव में ये जल भराव पानी की समस्या बहुत, रास्ता है सभी बंद है गांव की चारों तरफ से, और मेन रास्ता है उसमें कोई ना बाहर निकल पाता है ना गांव के आदमी, सभी जानवर वगैरह सभी परेशान है। ये अंबेडकर गांव रहा है क्या? अंबेडकर गांव रहा है, ये मायावती के शासनकाल में विकास अच्छा हुआ था, उसके बाद में विकास नहीं हो पाया। क्या समस्या आ रही है? गाँव में पानी भर गया, करियां तक परेशानी हो रही निकलने से। कितने दिन से पानी है? करीब हो गया एक महीना। स्कूल में बच्चे कैसे जा रहे हैं पानी के लिए? स्कूल में दूसरा गेट खुलवा लिया, इसलिए जा रहे हैं। जब मेन गेट बंद करना पड़ा। प्रताप सिंह, प्रताप सिंह आपके गांव में जल भराव की समस्या है, क्या मामला है? बहुत काफी भरा, जनता को बहुत परेशानी, सबसे ज्यादा निकल नहीं, घूम के आना पड़ता है हर आदमी। किसी अधिकारी ने आज तक ध्यान दिया? किसी ने नहीं दिया। कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही।